सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए। आज इसकी थर्ड सर्विस होने वाली है और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें। जैसे अभी टाइम हो चुका है 9 o'clock और थोड़ा सा लेट हो गया मैं सर्विस सेंटर। वैसे तो 9:30 खुलता है, पर यहाँ से 45 मिनट तो एटलीस्ट रख ही लो, 27-28 किलोमीटर तो होगा यहाँ से सर्विस सेंटर ठाकर द्वारा में। और ये खड़ी है अपनी बाइक, भाई बड़ी मस्त लगती है। और गाइस देखो, मैंने बहुत सारी एक्सेसरीज इसमें लगवा रखी है, मॉडिफिकेशन करवा रखी है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और मैंने लाइट्स भी लगा रखे हैं, कौन सी कंपनी के लगा रखे हैं, ये हमारे नकल गार्ड हैं, बहुत सारे क्रैश गार्ड हैं, सैडल गार्ड हैं। मैं रिसेंटली अमृतसर गया था तो बहुत मजा आया इस बाइक और हाईवे पे राइड करने का। ना हाईवे पे बहुत मस्त चलती है, दब के चलती है बाइक हाईवे पे, भगाया भी मैंने काफ़ी तेज़ इसको, मज़ा आ गया इसको राइड करने का। बट अभी टाइम आ गया, इसकी सर्विस वीडियो सर्विस भी करवाएंगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दिखा सकते हैं। कुछ पहाड़ी इलाकों में ना हर टाइम जा नहीं सकते, सिटीज़ में क्या होते हैं सर्विस सेंटर 5-10 किलोमीटर की दूरी पे सर्विस सेंटर होते हैं, तो पब्लिक छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो जा सकते हैं बार बार। बट हमारा क्या है कि इधर गाँव का रिमोट एरिया से जाना है वहाँ पे 20-25-30 किलोमीटर, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक काम हो जाता है छोटी छोटी दिक्कत के लिए लेके जाना। तो मैंने सोचा कि आज मैं सर्विस के लिए जा रहा हूँ तो बाकी काम भी करवा ही लूंगा। और जहाँ से आज मैंने गाइस ब्लॉग स्टार्ट किया ना, इसी जगह से मैंने अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट किया था, पहला मोटर ब्लॉग, और ये जगह कभी नहीं भूलूंगा मैं, बिकॉज यहाँ से मैंने इस जर्नी की शुरुआत की है मोटर ब्लॉगिंग की। और टाइम अभी 9 बजने वाले हैं और हम चलते हैं धीरे धीरे सर्विस सेंटर की तरफ। पहले जंगल हुआ करते थे, पर अभी देखो जंगल में अभी बड़े बड़े पेड़ ही बच गए हैं, छोटे छोटे तो गाय भी हो गए सारे। और ठंड है हल्का सा, मार्च का मंथ चल रहा है, बट ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, हल्की तो लग रही है। रोड रफ है, वाह वाह, रोड़ों के लिए फिर टाइमली नहीं होती है ना, फिर और ज़्यादा ख़राब होते जाते हैं। यहाँ से मैं ले लूँगा राइड, शॉर्टकट में जाऊँगा, सीधा जो रोड है अगर चला गया तो वेयर ड्रो होके PTC पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से होके जाएगा, ड्रो से होके फिर भवारना जाएगा, और यहाँ से मैं डायरेक्ट भवारना पहुँच जाऊँगा। सो टाइम की थोड़ी बचत करते हैं, यहीं से टर्न ले लेता हूँ फिर मैं। मुझे ना इस जगह पे बने हुए घर ना बड़े पसंद आते हैं, थोड़ा सा ये पड़ जाता है प्लेन टाइप के एरिया ना, समतल, बड़े सुंदर सुंदर मकान है यहाँ पे लोगों ने बनाए हुए इस जगह पे। भवारना यहाँ से है 1.5 किलोमीटर, और हमारे लिए भवारना यही सबसे नज़दीक वाली मार्केट है, थोड़ी सी बड़ी वाली। हमारे इलाके के सभी लोग भवारना ही आते हैं, कुछ लेना हो शॉपिंग के लिए हर चीज़ मिल जाती है। और उसके आगे अपनी लोगों की श्रद्धा है, जिसको थोड़ा सा हाई उसमें जाना है तो पालम पर चले जाओ, है ना, और कई ऐसे हैं जो कांगड़ा चले जाते हैं। हाँ देखो, जितने हम पालम पर की तरफ जा रहे हैं नज़दीक में, उतने पहाड़ और बड़े दिखने लगे हैं, उतना क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं, ये जो पहाड़ हैं उतनी और क्लैरिटी के साथ दिखने लगे हैं, और पालमपुर से तो नज़दीक में ही हैं सारे। ये देखो सामने, ये ड्रो से आया रोड, बेयर ड्रो से होके, और मैं आ गया बीच में शॉर्टकट से, तो कम पड़ गया मेरे को थोड़ा, और समय की बचत, बिकॉज जल्दी पहुंचना है सर्विस के लिए। अगर सर्विस सेंटर जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी नंबर आ जाएगा। वैसे मैंने बात तो की है भाई से वहाँ पे, बट उससे पहले भी तो बहुत सारे लोग पहुँचे होंगे ना, आज संडे है, मैंने बात तो की है उनसे भी कर देंगे, बट अब 4 बंदे आपके आगे खड़े हैं और आप बोलो जाके कि मेरा पहले नंबर लगा दो, तो वो गलत बात हो जाती है ना। और ये है भवारना, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, मार्केट भी है, लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर आना, आप बीमार भी हो तो भी इधर ही आते हैं हॉस्पिटल में। और ये यहाँ से सीधा अंदर की तरफ मार्केट है भवारना, ये देखो, और यहाँ से लेफ्ट साइड में इसका ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और एक नया और बन रहा है बड़े वाला। तो धीरे धीरे सहूलतें जो मिल रही है जनता को, सिस्टम ठीक हो रहा है अभी। राणा जी मुझको माफ करना, नेवी लिखा हुआ है, राणा जी नेवी में थे। राणा जी से आगे निकल जाते हैं हम भी। चलो जी,
हम पहुंच गए संगम बजाज में और देखते हैं कोई आया है या नहीं, अभी तो टाइम है। हाँ बाइकें तो खड़ी है लोगों की, खुल गया भाई खुल गया, 3-4 बाइक आ गई हैं। तो मैं पहुंच गया इधर, भाई लोग बड़े हैं इधर। तो गाइज अभी बाइक कर दी है खड़ी और एंट्री उंट्री करवा दी मैंने, वैसे मेरे से पहले 3-4 बाइकें और हैं, देखते हैं कितने देर में नंबर आता है। मैंने इनको बता दिया जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं सर्विस के साथ में, वो भी देख लेंगे एक बार में। और अभी सुबह सुबह अभी जस्ट आ ही रहे हैं सभी टेक्नीशियन इनके ना, बाकी दो तो लगा दी इन्होंने सर्विस बे पे। और यहाँ के जो मैनेजर हैं भाई, उनसे मैंने बोला भाई मैं वीडियो बना लूँगा मेरे ब्लॉग के लिए, उन्होंने बोला ठीक है बना लेना, मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा ऐसे। तो भाई ऑयल पूरा ही निकला है क्या? मैंने ऑयल कम तो नहीं निकला ना इंजन ऑयल? तो सर्विस हो गई है स्टार्ट अपनी बाइक की, आ देखते हैं कितना और टाइम लगता है। चेन स्प्रॉकेट का भी मैंने बताया इनको चेक करने के लिए, प्लस कोइल को मैंने बोला कि चेंज ही कर दो, पॉसिबल होगा तो चेंज करवा ही दूंगा कोइल जहाँ से ऑयल लीक हो रहा है। एक और समस्या आ चुकी है, समस्या ये है कि इसके ऑयल फिल्टर जो इस सर्विस सेंटर में अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कांगड़ा में सर्विस सेंटर है, वहाँ से अगर मिल जाते हैं तो लेके आएंगे। देखते हैं कांगड़ा से अगर आता है तो हो जाएगा चेंज, नहीं तो देखते हैं क्या करना है। बड़ी समस्या है भाई, बड़ी समस्या है। सभी चल रही है ब्रेक पिस्टन की सर्विसिंग कर रहे हैं, खोल रहे हैं उसको पूरा, और बोल रहे थे वो जाम था, और उसके पैड भी शायद चेंज करेंगे, अभी ब्रेक पैड चेंज करेंगे। भाई भाई बता रहे हैं कि जो पिस्टन जाम था ना उसकी वजह से, जो मैं बोल रहा था फ्री मूवमेंट नहीं था बाइक का, वो मे एक रीज़न हो सकता है, वो भी एक उन्होंने पिस्टन को जो सर्विस करके फ्री किया अंदर से, एंड अभी नए ब्रेक पैड डाल रहे हैं फ्रंट वाले। देखो भाई अब खुल गया है साइड कवर ना इंजन का, अभी करेंगे कोयल चेंज, जो वायरिंग वाला वो पोर्शन जो है वो चेंज होगा, वो पूरा ही यूनिट चेंज करना पड़ता है। एटलीस्ट की जो रबड़ की जो सील थी ना वो मेल्ट होके या किसी कारण बस वो पिघल जाती है या अपनी जगह से हट जाती है, तो उसमें से ऑयल लीक होता है, तो पूरा ही चेंज करना पड़ रहा है। अंदर का तो सिस्टम ही देखो कैसा है इसका, ये कॉपर की वायरिंग होती है ना भाई इसमें, ये सब कॉपर की वायरिंग है ना। मुझे लग रहा है मोटा खर्चा होने वाला मेरा सर्विस के साथ में। ये जो कोयल है जहाँ से ऑयल लीक हो रहा था ये स्टार्टर कोयल थी, और ये नई वाली है जो अभी रिप्लेस करेंगे हम, पुरानी वाली निकल रही है वहाँ से, तो ये डलेगी अभी। फाइनली अभी कोयल कर दी भाई ने फिक्स कवर में, अभी लगाएंगे कवर वापस, सील भी चेंज हो जाएगी भाई पूरी है ना, पूरी केज चेंज ही करना पड़ती है, किसी काम की नहीं रहती है। सो भाई देख लो ऐसे दिखता है ये पोर्सन कोयल वाला है, इसकी क्लच प्लेट होती है दूसरी साइड, जबकि रॉयल इनफील्ड की कोई बाइक होगी उसकी लेफ्ट साइड होगी, बट इनमें बजाज की में जो होती है क्लच प्लेट होती है राइट साइड में होती है। और ये तो अभी नया लगेगा, उसका जो सील है ना ये निकाल दी भाई ने सील, ये लगने वाली है नई बिल्कुल। 12:46 हो चुके हैं और मुझे लग रहा है अभी इनका लंच ब्रेक भी होने वाला है शायद, अभी लंच ब्रेक इनका चलेगा तो उसके बाद ही मेरा काम कम्प्लीट होगा। ठीक है आज का दिन रख लिया बजाज सर्विस सेंटर के नाम पे। अरे देखो कितनी धूल जम जाती है ना, सीट खुलने वाली नहीं, पूरी धूल, ये पूरी धूल जमी हुई है, चलो क्लीन कर देंगे इसको। तो यहाँ पे डलता है एयर फिल्टर जो अभी चेंज करेंगे, और भाई ने पता नहीं क्या जुगाड़ फिट करवा रखा है किसके लिए मे भी होगा जैसे बैग लेके जो बैठता है ना पीठी बंदा, उसके बैग को सपोर्ट करने के लिए होगा है पक्का, सही जुगाड़ बनाया भाई ने। आ गए नया फिल्टर भाई, तो एयर फिल्टर भी डाल दिया है नया एयर फिल्टर। सो गाइस अभी ये काम कंप्लीट हुआ है, ये अपना इंजन कवर जो खोला था कोयल चेंज की है वो तो लग गया अभी वापस, नई सील डाली है इन्होंने, तो ये काम तो कंप्लीट हो गया है। तो अभी इनका हो गया लंच ब्रेक, और लंच ब्रेक के बाद बाकी का काम होगा। तो गाइस अभी आ चुका है इंजन ऑयल, अभी डालेंगे इंजन ऑयल बाइक में, दो डब्बे हैं पता नहीं कितने लीटर के होते हैं, करता हूँ 1.2 लीटर का एक है, ये डलेगा अभी भाई। कितने लीटर डल रहा है, एमएल डल रहा है इसी? अच्छा 1750 ml डलता है ना। ओके
बाइक स्टार्ट की है, बट अभी देखो आ रहा है इससे धुआं। धुआं मार रही है और एक आवाज आ रही है, तो शायद वो कोयल ठीक से फिट बैठी नहीं है, शायद फिर से खोलेंगे कवर। खोल रहे हैं वापस, मुझे लग रहा है और टाइम लगने वाला। अभी मेरे से पहले जितने भी आए हैं सब चले गए हैं। चलो कोई नहीं, करा था आराम मैंने, टेंशन वाला कोई काम नहीं है। बस ये समझ आया मुझे, धुआं का निकला है बंदे। अच्छा अच्छा, शायद जला था ना। हाँ पानी मारना ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो कर लेगा आराम में ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी दोबारा से वो कवर निकालेंगे और जो ऑयल डाली उसको दोबारा से सेट करेंगे और फिर उसके बाद वापस कवर लगाएंगे। हो जाता है समटाइम्स, काम करता है इंसान। उन्होंने तो अपना पूरा बेस्ट लगा के उसको किया था, टाइट वगैरह सही से लगाया था। अभी कुछ रह गया होगा छोटा मोटा, तो उसमें क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा और बस ये है कि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा और कुछ नहीं है। जब तक इनके पास में है तो कोई दिक्कत आएगी तो वो करके ही देंगे। फाइनली बाइक की सर्विस हो चुकी है और जो काम था वो भी हो चुका है। उन्होंने जो कोयल वाला काम किया वो भी ठीक है अभी। और अभी जाऊँ, अभी थोड़ी देर के लिए इसको स्टार्ट करके रखा है, वॉश करवा दिया, ऑयल वगैरह था वो निकल गया। थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करके रखूँगा, उसके बाद टेस्ट राइड लेंगे और टेस्ट राइड के बाद फिर मैं निकलूँगा वापस। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ टेस्ट राइड के लिए, बाइक की सर्विस हो चुकी है कंप्लीट। एक बार टेस्ट राइड ले लेते हैं, देखते हैं कैसी चल रही है, लगी जाएगा पता। जय माता दी। चलो जी। और भाई पहले से तो स्मूथ लग रही है, पर ब्रेक नहीं लग रही है, रेयर ब्रेक नहीं लग रही है, इतनी वाइट नहीं उसका बाइक का भी। वो स्मूथनेस आ गई जो मैं बोल रहा था कि यार बहुत हैवीपन लग रहा है चलाने में। ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती इसका थ्रोटल खींच रहा हूँ तो ज़बरदस्ती ये पुश हो रही है, इसको कुछ चीज़ रोक रही है। रेजिस्टेंस जो था वो थोड़ा ख़त्म हो चुका है अभी, थोड़ा क्या ख़त्म ही हो चुका है अभी रेजिस्टेंस जो था इसमें। टर्न लेते हैं अभी थोड़ा आगे से जाके ना, और ट्रायल तो मेरे कम्प्लीट हो गए, बस वही देखना था स्मूथनेस है कि नहीं है। स्मूथनेस अभी आ चुकी है वापस और यहीं से ले लेंगे टर्न आगे से। सो गाइस भाई ने मेरा काम किया ना बाइक का, उनसे मैं मिलाता हूँ आपको। ये भाई इन्होंने बाइक का काम किया है, और भैया नाम बता दो अपना। मेरा संजीव कुमार। भाई ने बहुत तसल्ली से काम किया बाइक का, ऐसा नहीं है कि कोई जल्दबाजी में किया, बहुत दिल से किया। अपनी जैसे बाइक का कोई काम करता है वैसे समझ के किया। सो थैंक यू भाई, और धन्यवाद आपका, है ना, थैंक यू। सो गाइस सर्विस हो गई है कम्प्लीट, अब मैं निकल रहा हूँ वापस। चलो वापस घर के लिए चलते हैं, और सर्विस में कितना खर्चा आया वो मैं घर जाके आपको फिर बताऊंगा आराम से बैठ के तसल्ली से। चलो जी, थोड़ा सा टाइम तो लग गया बट तसल्ली से काम हो गया, वही एक बात है कि तसल्ली से काम आपका होता है ना, टाइम तो मैटर नहीं करता है। जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई ऑयल लीक की। हाँ थोड़ा सा वो एक सोचने वाली बात है कि अभी 10,000 किलोमीटर में ही वो कॉइल से ऑयल लीक होने लगा, तो फिर वो एक बात तो है। मैंने उनको बोला है कि आप फीडबैक दो, अगर वो फीडबैक भेजेंगे यहाँ से कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है डोमिनार में, तो ठीक है वो देखते हैं। उसके पूछूंगा उनसे बाद में, जो मैनेजर है भाई उनसे, कि क्या कंपनी ने बोला है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हाँ कंप्लेंट करूँ, हो सकता है मटेरियल फेलियर समटाइम हो जाता है, पॉजिटिव वे में सोच रहा हूँ मैं। तो गाइस चलो फिर घर पे मिलता हूँ आप सभी से, और बताऊंगा आपको कि कितना खर्चा आया सर्विस में। गाइस सर्विस करवाने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ घर, और ये मेरी डोमिनार की थर्ड सर्विस थी, और 10,000 किलोमीटर पे मैंने करवाई है थर्ड सर्विस, और ये पेड सर्विस थी। तो इसमें मेरी डोमिनार के दोनों ब्रेक पैड चेंज हुए, फ्रंट इंटीरियर ऑयल चेंज किया, एयर फिल्टर चेंज किया, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। और ये कितना पड़ा मुझे मैं बता देता हूँ आपको ब्रेक डाउन करके। ऑयल पड़ा है मुझे टोटल 1,905 रुपीज़ का। ब्रेक पैड जो फ्रंट थे वो 241 रुपीज़ के पड़े, ब्रेक पैड जो रियर थे वो पड़े 259 रुपीज़ के, ऑयल फिल्टर 79 रुपीज़ का, और एयर फिल्टर जो है वो 262 रुपीज़ का पड़ा। सर्विस चार्जेस जो है 590 रुपीज़, पेड सर्विस थी।
और इसके साथ में बाइक के थोड़ा सा इशू था, इंजन से ऑयल लीक हो रहा था। ऑयल लीक हो रहा था, बाइक की जो स्टार्टर कोयल होती है वहाँ से ऑयल लीक हो रहा था, उसकी सील से हो रहा था। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये तो पूरी चेंज करनी पड़ेगी। पहले बोला सीलेंट लगा देते हैं, सीलेंट से, तो मैंने बोला सीलेंट से नहीं हुआ तो क्या करेंगे, बिकॉज़ अभी थर्ड सर्विस में मैंने पूरा ऑयल चेंज करवाया है और अगला 5,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर पे ऑयल टॉप अप होगा, चेंज नहीं होगा। तो अगर पता चला कि 1-2 महीने के बाद में ज़्यादा ऑयल लीक होने लगा, तब फिर वो ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा पूरा। तो मैंने उन्हें बोला कि चेंज ही कर दो, जो स्टार्टर कोयल जो है वो चेंज हुई है। स्टार्टर कोयल पड़ी है मुझे 1,661 रुपीज़, और टोटल ये लेबर चार्जेस और रिप्लेसमेंट चार्जेस वगैरह लगा के मुझे पड़ गया 5,328 रुपीज़। ये तो था सर्विस कॉस्ट जो मैंने आपको बता दिया। सो गाइस, अगर आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सारी वीडियोस की। मेरी वीडियो हर फ्राइडे को शाम के 6 बजे आती है, तो देखना ना भूलें। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ गाइस, और मिलता हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में। राइड सेफ, बी सेफ। थैंक यू गाइस।